अबुल हसन सूफी रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया गया कि मोहब्बत की अलामत क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया कि जिससे तुम मोहब्बत करते हो, अल्लाह से जिससे तुम मोहब्बत करते हो उसके लिए बाकी तमाम मोहब्बतों को छोड़ दो। अल्लाह से मोहब्बत जब करनी है तो बाकी मोहब्बतों को कुर्बान करना पड़ेगा। और कुछ बातें कुरान मजीद से भी लेते हैं, मोहब्बत वालों के औसाफ कुरान अजीम शान में अल्लाह पाक फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीन आमनु, ए ईमान वालो, मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यअतिल्लाहु बिकौम युहिब्बुहुम व युहिब्बूना, अगर तुम दीन से फिर जाओगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी जगह ऐसी कौम को लाएगा जो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे और अल्लाह उनसे मोहब्बत करेंगे। युहिब्बुहुम व युहिब्बूना, अल्लाह उनसे मोहब्बत करेंगे वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। और आगे आयत के अंदर अल्लाह ताला ने मोहब्बत करने वालों की चार निशानियां बयान की कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह इनसे मोहब्बत करते हैं। वो चार निशानियां क्या हैं? नंबर एक, अज़िल्लतुन अलल मुमिनीन, अज़िल्लतुन अलल मुमिनीन, वो मोमिनीन के लिए नरम होते हैं, आजदी करने वाले होते हैं, झुकने वाले होते हैं, मोमिनीन के सामने सीना नहीं तानते। ईमान वाले जितने भी हैं, औरत या मर्द, औरतों में बीवी भी आती है, कितने ऐसे हैं बीवी को तो दुनिया में इज्जत देना उनको बर्दाश्त ही नहीं होता। कयामत के दिन आमाल नामे में हुकूकुल्लाह की बात आएगी तो सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा, हुकूकुल इबाद की बात आएगी तो सबसे पहले बीवी के बारे में बात होगी, इसके साथ कैसे रहे, इसके बगैर बख्शिश नहीं होनी। अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन, मोमिनीन के लिए नरम होते हैं। अइज्ज़तिन अलल काफिरीन, दूसरी निशानी, कुफार के लिए सख्त होते हैं। और तीसरी निशानी जो अल्लाह ने बयान फरमाई, युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करते हैं, दीन का काम करते हैं। और चौथी निशानी, वला यखौफूना लौमत लाइम, अल्लाह ताला की खातिर किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करते, अपने काम में लगे रहते हैं। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीही मन यशा, ये अल्लाह का फजल है जिसको चाहे अल्लाह अता फरमाए। ये चार निशानियां कुरान मजीद में उन लोगों की बताई जिनसे अल्लाह मोहब्बत करते हैं और जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अब हम देखें कि हम इसमें शामिल हैं कि नहीं।